अपने माननीय राष्ट्रपति जी है, वो कहते हैं हम आपके लिए अरेंजमेंट करवाते हैं, आप जाके उनसे मिल के आइए। ओके दोस्तों, तो ये जो आप हमारे सामने देख रहे हो ये है भाई साहब राष्ट्रपति भवन। थोड़ा देर बैठ कर अपना भेलपूरी एंजॉय करेंगे। हाँ जी भाई साहब, कैसे हो आप सभी लोग? तो आज शर्मा जी आपको लेकर जाने वाले भाई साहब इंडिया गेट, ठीक है? तो अभी हम जो है गुड़गांव में हैं, मेट्रो से हम ट्रेवल करेंगे और आपको लेके चलते हैं आज इंडिया गेट। शाम हो रही है, 5:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है, ठीक है? तो हमको लगता है कि जो इवनिंग वाला जो लाइटिंग वहां पे रहेगी वो आज आपको दिखाया जाए, ठीक है? तो बस बने रहिए हमारे साथ में इस वीडियो में, एंजॉय कीजिए। ओके भाई साहब, हम हैं अभी MG मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ से हम जाएंगे सेंट्रल सेक्रेटरिएट, ठीक है? और वहाँ से थोड़ा ही दूर पर हमारा डेस्टिनेशन है जो हम आज आपको विजिट करवाने वाले। चलिए लेट्स गो। भाई साहब, तो लेकर आ गए हैं हम आपको आपकी डेस्टिनेशन तक, ठीक है? और ये सामने जो आप देख रहे हो ना, ये भाई साहब लेकिन इंडिया गेट नहीं है, ये हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन, ठीक है ना? तो हम अभी मेट्रो में थे तो क्या हुआ पता है कि ये ना मोदी जी का फोन आया कि हाँ भैया शर्मा जी कहाँ हो, कहाँ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो? हमने कहा यार हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको हम लेकर जा रहे हैं इंडिया गेट घुमाने के लिए, ठीक है ना? तो जिद करने लग गए यार, क्या कहते हैं पता है कि यार वहाँ जा रहे हो आप तो ना उनसे मिल के आइएगा, है ना? हमने कहा किन से मिल के आइएगा? हमने कहा अपने माननीय राष्ट्रपति जी है, वो कहते हैं हम आपके लिए अरेंजमेंट करवाते हैं, आप जाके उनसे मिल के आइएगा। हमने कहा अरे नहीं नहीं यार, वो अभी शाम वाम का टाइम है, कहाँ आप परेशान उनको कर रहे हो, हम फिर कभी आएंगे, ठीक है ना? तो अभी हम आपको बाहर से घुमाने वाले हैं और बस चलो पहले हम आपको राष्ट्रपति भवन लेके जाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे बैक साइड अपोजिट जो कि बिल्कुल है, दैट इज इंडिया गेट। चलिए एक और चीज़ हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, रहते हैं ऑलवेज इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है ना? सो बोथ आर डिफरेंट। इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया दैट इज इन मुंबई, ठीक है ना? तो वो मुंबई में है भाई साहब। चलो आगे और लेके चलते हैं आप। ओके दोस्तों, तो ये जो आप हमारे सामने देख रहे हो ये है भाई साहब राष्ट्रपति भवन, ठीक है? और इसके बगल में आपको ये वाली चमकदार बिल्डिंग जो देखने को मिलेगी, ये है नया पार्लियामेंट हाउस, ठीक है ना? तो यहाँ पे बगल में ही बना हुआ है, ये पार्लियामेंट हाउस है और ये राष्ट्रपति भवन है, ठीक है? सो और अब हम आपको कुछ राष्ट्रपति भवन के बारे में जानकारी देना चाहेंगे यहाँ पे, ठीक है? कि ये जो है राष्ट्रपति भवन जो आप हमारे पीछे देख रहे हो, ये भाई साहब ऐसा नहीं है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब बना था, नहीं ऐसा नहीं है, ये भाई साहब अंग्रेजों ने बनवाया था, ठीक है ना? और इसमें जो है भारत के जो गवर्नर जनरल उस टाइम पे रहा करते थे, ठीक है, विक्टोरिया हाउस उसको बोला जाता था, और ये उस टाइम पे प्रतीक था किस चीज़ का, डोमिनेंस का, पावर का, और जो इंग्लैंड का राज जो भारत पे चलता था उसका ये प्रतीक था, ठीक है ना? तो इस तरीके की ये इमारत थी उस समय में, बाद में जब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसके बाद में इसको राष्ट्रपति भवन में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है ना? ये जो है इसमें 350 के आसपास कमरे हैं और पूरे विश्व में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की अगर हम कमरे की बात करें, कोई भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पूरे विश्व में, तो कंपेरेटिवली ये सबसे बड़ा है, ठीक है ना? तो आप देख सकते हो यहाँ पे, इससे ज़्यादा आगे हम आपको लेकर नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना? ये लाइटिंग बहुत शानदार है, ठीक है? अब हम आपको जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन लेकर जाएंगे वो रहेगा आपका इंडिया गेट, ठीक है ना? जिसके लिए हम बिल्कुल यहाँ पर आए थे। और ये जो आप रास्ता देख रहे हो, यहाँ पर भाई साहब गणतंत्र दिवस का परेड किया जाता है। चलो जी, तो ये जो आप शानदार लाइटिंग देख सकते हो, लोग इवनिंग वॉक के लिए भी यहाँ पे आते हैं, पर ज़्यादातर आपको टूरिस्ट देखने के लिए मिलेंगे। उस तरफ जो हम सामने की तरफ जाएंगे वो जो रहेगा वो ज़्यादा क्राउडेड एरिया रहेगा। चलो भी हमको देखा, हम खाएंगे अभी। कितने का अंकल जी? एक बना दीजिए। मसाला मतलब तीखा, कम तीखा, हाँ, या मीडियम एकदम? चलो जी, तो वॉक करते करते बहुत भूख हमको यहाँ पे लगने लगा है, ठीक है? तो अभी हम थोड़ा देर बैठ कर अपना भेलपूरी एंजॉय करेंगे, ठीक है? और उसके बाद में आपको लेके चलेंगे इंडिया गेट।
हाँ जी, सो डिलीशियस भेलपुरी एंजॉय करने के बाद अब हम आपको लेके चल रहे हैं जहाँ के लिए हम इतना ट्रैवल करके आए थे आप लोगों के साथ घूमने के लिए, दैट इज़ इंडिया गेट, ठीक है ना। और बस अभी तो हम कह रहे हैं कि हम अकेले आ गए, ठीक है, बट द थिंग इज़ कि अभी चेरी क्या है कि है नहीं है यहाँ पे, वरना अभी आएगी तो उसको उसके साथ वापस घूमने के लिए आना पड़ेगा, है ना, उसका स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है अभी। चलो जी, सो राष्ट्रपति भवन के बाद में ये जो आप सामने देख रहे हो, आपने भारत का तिरंगा स्पॉट कर लिया होगा, वहाँ तक हमको आगे चल कर जाना है, ठीक है। और वहाँ पर पहुँचते ही हम आपको इंडिया गेट दिखाएंगे, घुमाएंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे, ठीक है ना। तो बस लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, पैदल चल के जाना है, ठीक है ना। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना क्यों भूल जाते हो, है ना। 3-3 किलोमीटर शर्मा जी पैदल चल चल के तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, दुर्गम दुर्गम स्थानों पर जाके तुमको दिखा रहे हैं, चीज़ें एक्सप्लोर करा रहे हैं, भारत भ्रमण करा रहे हैं। एक सब्सक्राइब तो बनता है, एक लाइक तो बनता है यार, और कमेंट कर दोगे तो और ही अच्छा लग जाएगा, शर्मा जी का दिल खुश हो जाएगा। चलो, सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम चल रहे हैं अभी आपको लेके इंडिया गेट, जैसे ही पहुँचेंगे तो वहाँ भी आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अब कर्तव्य पथ को क्रॉस करोगे ना तो बीच में क्या चलता हुआ रोड है, तो इस तरीके के अंडर पास यहाँ पे बनाए गए हैं जो कि आप उस रोड के नीचे से होके और फिर दूसरी तरफ जहाँ पे भी आपको जाना है, वेदर इट इज राष्ट्रपति भवन और वेदर इट इज इंडिया गेट, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। हाँ जी भाई साहब, तो जैसा कि हमने आपको वादा किया था, हम आपको लेकर आ गए हैं इंडिया गेट पर। ये जो आप देख रहे हो ये गेट एक्चुअल में एक वॉर मेमोरियल है। यहाँ पे हम चौड़ाई की अगर बात करें तो लगभग 9 मीटर है, इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो 42 मीटर इसकी हाइट है। और इसको जो डिज़ाइन किया गया था वो भाई साहब किसी इंडियन ने नहीं, एक अंग्रेज ने डिज़ाइन किया था, उनका नाम था सर एडविन लुटियन, ठीक है ना। उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, बनाया था, क्यों बनाया था, हमारे उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर लगभग 82,000 सैनिक शहीद हुए थे, कुछ अंग्रेज थे कुछ इंडियन थे, तो उनकी याद में इसको बनाया गया था। बाद में इसमें एक और वॉर मेमोरियल इसके अंदर ही एड ऑन किया गया था, नीचे था अमर जवान ज्योति के नाम से, अभी उसको हटा दिया गया है, वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया है, वहां पर एक और ज्योति उसमें विलय कर दिया गया है। वो क्यों स्टार्ट किया गया था, वो किया गया था क्योंकि जो 1971 में युद्ध हुआ था कारगिल में भारत पाकिस्तान का, वहाँ पर जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनकी याद में उसको बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इसके ऊपर लगभग 13,300 जो युद्ध में शहीद हुए सैनिक थे उनका नाम लिखा हुआ है। ये जो आप आर्क देख रहे हो यहाँ पे, इसकी प्रेरणा जो ली गई है वो पेरिस के आर्क डि ट्राइम्फ से ली गई है। बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज सैटरडे का दिन है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट क्यूट से बच्चे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे। वीकेंड्स में लोग यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पास से हम आपको और थोड़ा सा ले जाकर दिखाते हैं, लाल पत्थर का ये बना हुआ है, ठीक है, ये देखो। ओके जी, तो ये जूम करके हम आपको दिखाते हैं, आपको शायद दिख रहे होंगे, ये वो नाम है 13,300 के आसपास जो सैनिक शहीद हुए थे युद्ध के समय में। चलिए जैसो, इस गर्म गर्म चाय के साथ में हम अपना दिन और ये वीडियो तो हमें यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।